आपके साथ मेरी दो बीवी हैं और दोनों ही मेरे साथ नहीं रहती। घरेलू मसला ये था कि अब्बू ने शादी की, उन्होंने उधर से बीवी ला दी अपने। किसकी बेटी ला दी? चाचे की। चाचे की, एक ने चाचे की बेटी ला दी और दूसरी कहाँ से आई? दूसरी खाला की। दूसरी खाला की जो है वो आ गई। तो शादी करना चाहते थे, दोनों से बच्चे हो गए। अब वो दोनों, क्योंकि एक समझ लें कि ये बीच में जो है ऐसा बेचारा बन गया कि ये पिस गया है, और वो दोनों इकट्ठे नहीं रहती, उनकी नहीं बनती, वो लड़ती भरती लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, हर वक्त लड़ती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, वो साथ नहीं रहती, तो ये डिस्टर्ब है। दोनों से इसके दो दो बच्चे हैं, यानी अब इसकी हालत जो है ना वो ऐसे हो चुकी हुई है कि ये ना इंडिया है ना पाकिस्तान है, ये बॉर्डर पर फंसा हुआ है, तो ये मुफ्त में जलील हो रहा है नेपाल की तरह। तो ये जो है ना इन मुश्किलात का शिकार है। प्रॉब्लम ये सारे आके बताता है, मेरे मैदे का मसला है, मुझे खाना हजम नहीं होता, मेरी ये चीज़ें हैं। लेकिन जब इवेलुएट किया, टेस्ट इसके सारे नॉर्मल, 15 इसकी एच बी है, हर चीज़ नॉर्मल, पेशाब में थोड़ा सा इन्फेक्शन, बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल, कुछ भी नहीं। जब सारा इवेलुएट किया तो क्रॉनिकली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार है। क्यों? क्योंकि दोनों बीवियाँ आपस में बहुत लड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। क्या मारती भी हैं एक दूसरे? नहीं, बस गाली गलौच ही हैं, टिका के गालियां देती हैं, बहुत बाल शाल भी खींचती हैं एक बड़े, बाल खींचती हैं दोनों के, बहुत ज़्यादा खींचती हैं एक दूसरे के, बाल खींचती हैं बहुत ज़्यादा खींचती हैं। सुन रहे हैं? तो अब इसका मसला यह है कि वो दोनों एक एक साल से नाराज़ होकर बैठी हुई हैं। तो वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो अपने घरों में देख रहे हैं, जिनको एक बीवी नसीब हुई हुई है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि करें ना अल्लाह का शुक्र अदा। बिल्कुल, एक सही है, एक सही है, औकात से बात का पंगा नहीं देना चाहिए। सुन रहे हैं? औकात से बढ़ के इंसान को ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। तो बीवी एक ही अच्छी, तो ये जो चाओ चाओ आप कहते हैं ना, हम चार शादियाँ कर लें तो वो फिर इस तरह डॉक्टरों के बाद धक्के खाते फिर रहे होते हैं कि वो आपस में लड़ती हैं, एक दूसरे के बाल खींचती हैं। आपको भी मारती नहीं हैं? तो आप फिर जब वो लड़ रही होती हैं आप क्या करते हो बीच में? घर से चला जाता हूँ बाहर, घर के लड़ो मरो, लड़ो मरो मैं बाहर चला जाता हूँ। बाहर चले जाते हो, काम क्या करते हो आप? मोबाइल शॉप का करते हैं, मोबाइल की शॉप है। तो जब वो लड़ रही होती हैं हर वक्त इसकी बीवियाँ, ये घर से बाहर चला जाता है, तो जब आते हो तो खूनम खून ही होती है? नहीं, फिर वो एक चली जाती है, एक रह जाती है। तो जो एक रह जाती है वो तुमसे लड़के वो भी चली जाती है? नहीं, वो रहती है, फिर दूसरी आ जाए, फिर एक चली जाती है। अच्छा, इकट्ठे नहीं रहती दोनों? और अब दोनों ही चली गई हैं? दोनों ही चली गई। अब तुम अकेले हो, सुकून नहीं घर में? नॉट सुकून है। आप सुकून है? दोनों अपने अपने घर हैं? अपने अपने घर हैं। तो वो कह रहे दोनों अपने अपने घर हैं, आप सुकून है। तो ये मेरे पास आए थे, मैं जगह नहीं बता रहा क्योंकि मैं इनकी कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, लेकिन मुल्तान की थोड़ी पैरी फ्री से ही बता रहा हूँ। जगह बता दें तुम्हारी है, वो भी ना बताएं, वो डरा हुआ है, वो कहता है भाई जगह ना बताना मेरी बीवियाँ कुटेंगी। तो हम इसकी जगह भी नहीं बता रहे, बस मोबाइल की दुकान है इस बेचारे की, दो शादियाँ हैं और बीवियाँ इतनी सारी हैं, नहीं दो बीवियाँ हैं, दो बीवियाँ हैं और बच्चे इसके तीन, चार बच्चे हैं। तो इस तरह ये ख्वार हुआ हुआ है। तो जिनकी एक बीवी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसकी दो बीवी हैं, आपस में एक दूसरे के बाल खींचती हैं, लड़ती हैं, मारती हैं, वो घर से चली जाती हैं, अब दोनों चली गई हुई हैं और ये अकेला इधर डॉक्टरों के धक्के खाता फिर रहा है सुकून में, लेकिन डॉक्टरों के पास रुल रहा है, डिप्रेशन की वजह से परेशान है। तो ये याद रखें कि बीवी एक ही अच्छी, बच्चे दो ही अच्छे। डॉक्टर अफान के सर